हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हेयर विथ सम इम्पोर्टेंट कन्वर्जन दैट हैज बीन एक्स्ड इन HSCB 2054. ओके, लेट अस सी वन बाय वन. नंबर ए, फ्रॉम एनिलीन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट टू फिनोल. एनिलीन, देखिए एनिलीन के बाद हम लोग को क्या बनाना है यहाँ पे, फिनोल. ऐसे ही फिनोल बनेगा, पहले हम लोग को क्या बनाना चाहिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. हम लोग मालूम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनाया जाता है, आफ्टर द रिएक्शन विथ नाइट्रोस एसिड. अब नाइट्रोस एसिड कैसे बनता है, NaNO2 और HCl मिलाकर. टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. ओके, उसके बाद या तो हम लोग इसको HNO2 भी लिख सकते हैं, नाइट्रोस एसिड. ये दोनों रिएक्ट करके HNO2 ही देने वाला है. ये बनाने के बाद यहां बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. ठीक है, अब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, if hydrolysis is done in benzene diazonium chloride, that hydrolysis means the addition of water. इसको क्या बोलते हैं, benzene diazonium chloride. ठीक है, एजो ग्रुप, ये जो बॉन्ड देख रहे हैं हम लोग, ये एजो ग्रुप है ना, एन डबल बॉन्ड एन को बोलते हैं एजो ग्रुप, इसीलिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. नेक्स्ट क्या बन जाएगा, देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये माइनस, देखिए इधर नाइट्रोजन गैस भी निकाल रहा है, साथ में HCl भी निकालेगा. ठीक है, बट द मेजर प्रोडक्ट विल बी फिनोल. इस तरह से हम लोग फिनोल बना सकते हैं. This question is very important. It was asked in 2054 of about 10 marks. 10 marks का question पूछा गया था ये HSCB board में. और वैसे तो important CBSE board के लिए भी है. ठीक है, लेकिन अभी focus हम कर रहे हैं HSCB board के लिए. देखिए A number हो गया, phenol में बन चुका है. दो reaction जरूरी हो जाता है इसमें, एक तो ये nitrous acid वाला reaction करना है, उसके बाद hydrolysis करना है. ठीक है, बी नंबर में क्या थी, एनिलीन, कन्वर्जन ऑफ एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनेट. देखिए फिनाइल आइसोसाइनेट नाम आते ही आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कार्बोलेमिन टेस्ट में ही आइसोसाइनेट बनता है. ठीक है, कार्बोलेमिन टेस्ट, एलिफेटिक एमिन लीजिए या तो एरोमेटिक एमिन लीजिए, बनेगा क्या, फिनाइल आइसोसाइनेट. अभी हम लोग क्या लेने वाले हैं, फिनाइल आइसोसाइनेट बनाना, इसीलिए हम लोग एरोमेटिक एमिन ले रहे हैं. एनिलीन, एनिल इज ए एरोमेटिक एमिन. इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, अब फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाना है तो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH. ठीक है, अल्कोहलिक KOH, वो भी इन दोनों के प्रेजेंस में इसको वार्म किया जाता है, वार्म किया जाएगा. वार्म करते ही क्या बनने वाला है यहाँ पे, फिनाइल आइसोसाइनाइड. NH2 विल बी कन्वर्टेड टू NC. देखिए NC बन जाए, इसी को बोलते हैं फिनाइल आइसोसाइनेट. साथ में ये KCl भी देने वाला है और वाटर भी देने वाला है. ठीक है, तो ये हो गया फिनाइल आइसोसाइनाइट. सिंपल एक ही स्टेप, एक ही कार्बोलेमिन टेस्ट से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्या टेस्ट बोला जाता है, दिस इज कार्बोलेमिन टेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया, एनिलीन को पिक्रिक एसिड में चेंज करना है. व्हाट इज पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल को बोलते हैं पिक्रिक एसिड, ट्राइनाइट्रोफिनोल. देखिए एनिल को जब तक हम, एनिलीन को जब तक हम लोग फिनोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, नाइट्रेशन होगा नहीं,
उसके बाद नाइट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि पिक्रिक एसिड का मतलब क्या हो जाता है 2,4,6, इसको क्या बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनोल। देखिए नाम में ही फिनोल आ गया, तो हम लोग को फिनोल तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये स्टेप यहां से यहां तक तो सेम ही रहने वाला है। अगर फिनोल बनाना है तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, HNO2 के साथ रिएक्शन, वही 0-5 डिग्री सेल्सियस वाला जो हम पहले कर चुके हैं, यहां तक सेम ही होने वाला है। यहां बन जाएगा N2+Cl-, इस तरह भी लिखा जा सकता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को। आफ्टर दैट हाइड्रोलाइसिस इज डन, देन फिनोल विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, अब फिनोल में क्या करना पड़ेगा, नाइट्रेशन करना पड़ेगा, कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में। देखिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, OH ग्रुप ज्यादा ही रिएक्टिव होता है, इसीलिए क्या करेगा, इस नाइट्रेशन करते ही ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाएगा। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, नाइट्रोनियम आयन इज द इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो और पारा, जितना भी यहाँ पे ऑर्थो और पारा पोजिशन है वहां जाके क्या करेगा, ये अटैचमेंट करने वाला है। नाइट्रोनियम आयन विल अट्रैक्ट द पोजिशन वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ फिनोल इज मोर। अब फिनोल में अगर हम लोग रेजोनेंस करने जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा होगा, ऑर्थो और पारा पोजिशन में, ऑर्थो एंड पारा पोजिशन विल हैव द मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बिकॉज OH ग्रुप इज ए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और जब कभी भी बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आता है तो वो OP डायरेक्टेड हो जाता है। ये क्या है, ये ग्रुप को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, और यही OH ग्रुप क्या हो जाए, क्या है, OP डायरेक्टिंग। अब देखिए नाइट्रो कहां कहां अटैक करने वाला है, NO2 हो जाएगा यहां भी और 2,4,6 यहां भी NO2 आ जाएगा। इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ठीक है, ये हो गया नंबर सी तक, हम लोग नंबर सिक्स तक कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर डी। देखिए डी में हम लोग कन्वर्ट करना है एनिलीन टू पी नाइट्रो एनिलीन, पारा नाइट्रो एनिलीन। अब देखिए एनिलीन में नाइट्रेशन ऐसे ही नहीं होता है, अगर हम लोग डायरेक्ट एनिलीन में नाइट्रेशन करने जाएंगे देन इट विल फॉर्म ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, पारा एज वेल एज मेटा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, क्योंकि एनिलीन का जो NH2 ग्रुप है ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, और ये बेसिक इन नेचर होता है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, हम लोगों को मालूम है क्या है, ये पी नाइट्रो एनिलीन ऐसे ही नहीं बनने वाला है। इसको देखिए एनिलीन को जब कभी भी नाइट्रेशन करना होगा देन दिस NH2 ग्रुप मस्ट बी प्रोटेक्टेड, इसको प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। क्यों प्रोटेक्शन दिया जाता है, क्योंकि NH2 ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव है एंड दिस इज बेसिक इन नेचर, इट विल एक्सेप्ट द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और ये एनिलिनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक एनिलिनियम आयन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH3 आयन, NH3+ और NH3 एनिलिनियम आयन क्या करता है, मेटा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड ही बनाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो NH2 को प्रोटेक्शन देने के लिए एसाइलेशन करते हैं। एसाइलेशन का मतलब हो गया, हम लोग एसाइलेशन या तो एसिटाइल क्लोराइड से भी कर सकते हैं और वी कैन डू विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, या तो हम लोग एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं इसमें, लेकिन अभी हम लोग एसाइलेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये पाइरिडीन के प्रेजेंस में होता है। पाइरिडीन एक एरोमेटिक बेसिक कंपाउंड है। देखिए नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर होता है और ये लोन पेयर अवेलेबल होता है डोनेशन के लिए, इसीलिए बेसिक नेचर होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, एंड इट इज ए कैरियर ऑफ हाइड्रोजन आयन, एक्चुअली ये हाइड्रोजन आयन को कैरी करेगा। अब एनिलीन को कन्वर्ट करना है, एसिटाइलेशन के बाद ये एसिटाइन एसिटानिलाइड बना लेगा,
this aniline will be converted to acetanilide, NHCOCS3, ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटानिलाइड। अभी एसिटानिलाइड में हम लोग क्या करने वाले हैं, नाइट्रेशन करने वाले हैं, कॉन्क HNO3, कॉन्क H2SO4। वैसे तो यहां पे दोनों ही बनाएगा NHCOCS3। नाइट्रेशन ये ऑर्थो पोजीशन पे भी होने वाला है और पारा पोजीशन पे भी क्या होगा, ये नाइट्रेशन होने वाला है। अब हम लोग को चाहिए क्या, यहां पे हम लोग को चाहिए पी नाइट्रो। देखिए पी नाइट्रो एनिलिन बनाना है तो हम लोग हाइड्रोलाइसिस किसका करेंगे, नाइट्रो कंपाउंड जो पारा पोजीशन पे नाइट्रो है उसी को बस यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करके दिखाना है हम लोग को, ठीक है। इसको अगर हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए, एसिड हाइड्रोलाइसिस, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे पी नाइट्रो एनिलिन बनाएगा, पारा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ गया, ठीक है, और यहाँ पे NH2 रहेगा, साथ में यहाँ पे माइनस CH3COOH भी बनने वाला है। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट हेयर। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। ध्यान देना पड़ेगा एनिलीन में NH2 ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसको प्रोटेक्शन करना जरूरी है, नहीं तो ये मेटा सब्स्टिट्यूट कंपाउंड भी बना लेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग एज ए मेजर कंपाउंड क्या बनाना है, पी नाइट्रो एनिलीन। तो जब कभी भी मेजर कंपाउंड बनाना हो पी या तो अर्थ हो, तो हम लोग को इसको प्रोटेक्शन देना जरूरी हो जाता है। वी मस्ट प्रोटेक्ट द एमिनो ग्रुप ऑफ एनिलीन बिकॉज एनिलीन इज वेरी रिएक्टिव, NH2 ग्रुप इज वेरी रिएक्टिव, इट कैन बी ऑक्सीडाइज बाय द हेल्प ऑफ दिस कॉन्क HNO3। या तो ये कॉन्क HNO3 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, या ये एक H+ दे देगा इसको और NH3+ बना देगा। वो NH3+ इज ए मेटा सब्स्टिट्यूटेड, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। NH3+ इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, सो इट विल फॉर्म मेटा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड आफ्टर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्जन करते हैं।